की माहौल खींच दिया बाजूका ने। ये हमारा पुराना स्कूल आ गया भाई। टकेशी कासल की फीलिंग आ रही है। बम बली बाओ पाँव फंस गया भैया। प्यार स्टार्ट ही करो। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और हम सब यहाँ पे पहाड़ी आ रहे हैं। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी। लौट आए अपने नए ब्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? हमारे साथ बहुत सारे राइडर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सब में एक चीज कॉमन है, सब बहुत ज्यादा देशभक्त हैं और सबके पास तिरंगा भी है। अभी हमारे साथ हमारे नेताजी भी हैं, मोक्ष भाई। आपने इनको देखा होगा कई जगह गाने वाने गाते हुए। हेलमेट पहनी है, ऐसा ना बनिए। देखिए हेलमेट हमेशा पहनिए, मेरे जैसा बिल्कुल मत बनिए। मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं हेलमेट नहीं पहनता। उसके पीछे का रीजन ये भाई, एग्री किया। हाँ, मेरी आदत है, मेरी बुरी आदत है, मैं नहीं पहनता। देखो गलत बात है, मेरे को घोड़े जैसी फीलिंग आती है, घोड़े के बांधने ना इधर। ये सबका लेम रीजन है, ये बेकार योजना है। भारत माता की जय। काफी तेज बारिश आ गई भाई। ऐसा नहीं पता था कि बाइक 1-2 की स्पीड पे चलने वाली है। अब ऐसा लग रहा है कि भाई यात्रा में बाइक लाके थोड़ी सी गलती की, इतना ज्यादा हीट हो रही है बाइक। गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो गई भाई, हालत खराब हो रही है उसकी। यहाँ पे हो रही है पुष्प वर्षा, क्या बात है। भारत माता की। मैं नारा लगा रहा था, मुंह पे फूल मारे यार, बाजूगा पे फूल ही फूल हो गए। भाई गजब रिएक्शन मिलते हैं भाई जब फिट में रहते हो ना आप। चाल चाल मेरी जान, जय श्री राम भाई। बस इतनी ज्यादा हो रही है, पसीना पसीना हो गया, ऊपर से राइडिंग जैकेट वगैरह पहनने के बाद हालत खराब हो गई। ये हमारी समोसा पार्टी हो गई। 15 अगस्त के दिन कहीं दूसरे देश का डायलॉग नहीं मारूंगा आज। अच्छा, पूरी रैली जो थी वो बहुत अच्छी थी, अंत में समोसा मिल गया। अंत इससे अच्छा क्या होगा। हाँ, बाइक बहुत ज्यादा हीट हो रही थी तो मैं थ्रॉटल भी नहीं कर पा रहा। कई बार लोग बोले थे भाई थ्रॉटल करो, मैंने बोला नहीं हो पाएगा। इनकी बाजू का मेरी चूजा दोनों बहुत तेज गर्म हो गई थी। सही बात है, काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन आज आ गया मैं 9 बजे करेक्ट। कैसे हो दादा? मैं बढ़िया, जय श्री राम। जय राम जी। हेलो एडी। बीबीसी क्लब है जिन्होंने इनवाइट किया मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। बहुत शानदार राइड होने वाली आज की, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी बाइक्स हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू, लुक एट द लाइनअप। सीन देखने लायक सीन होगा। हर ग्रह झंडा अभियान के तहत हम लोग राइड करेंगे। हमारा जो आज मेन इवेंट है गोवा लॉयन क्लब का इग्निशन 1.0, आज हमारा एनिवर्सरी भी है। राइट, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। कांग्रेचुलेशन। बैचेस हैं बहुत सारे टोकन, और ये एक्चुअली मतलब खुद के खरीदे हुए नहीं है, लोगों के दिए हुए हैं या अचीव किए हुए हैं। तो दिस इज अ बिग थिंग। कुछ और थोड़ा दूर हो जाइए। अच्छा, 12 में बहुत तेज आवाज। ओके, ये आवाज आ कहां से रही? स्पीकर है क्या? स्पीकर साइड। राष्ट्रगान करने के बाद फाइनली हम लोग अब बाजूका को ऑन करने वाले हैं। बाजूका तो भाई प्यार है। कैसे हो भैया, हो जाए एक बार तो बाहर आ जाएंगे। फुल थ्रॉटल नहीं करूंगा। मजा आ गया भाई, क्या वो पेट्रोल बर्न होने की जो स्मेल आती है भाई। फाइनली स्टार्ट कर दिए रैली।
एक नजर हमारे ऊपर। ऐसे कर रहे हैं पुलिस वाले अंकल, हाँ ये अंकल पकड़ेंगे बेटा, आ जाओ आप तुम इधर। अल्फा टू चार्ली, हम लोग मार्स की जमीन में एंटर करने वाले हैं। अल्फा टू चार्ली, हम लोगों ने मार्स पे लैंडिंग कर ली है, यहाँ पे पानी मिला है। कोलार के गड्ढे हैं ये, कोई सी भी बाइक हो आपकी और कोई से भी टायर हो, आपको इनको इज्जत देनी पड़ेगी, बराबर रुकना पड़ेगा 5 मिनट। और यहाँ ऑलरेडी एक और कोई रैली निकल रही है और हम लोग बीच में फंस रहे हैं। थैंक यू भाई। दूर दूर तक सिर्फ आपको तिरंगे नजर आएंगे, काफी भव्य नज़ारा है यहाँ पे, काफी ज्यादा लंबी रैली है भाई साहब, मजा आ गया देख के। थैंक यू भाई, थैंक यू, क्या बात है, पब्लिक रिएक्शन तो एक नंबर है भाई यहाँ पे। अलग ही माहौल खींच दिया बाजूका ने। थैंक यू भाई, क्या बात है भाई, अलग ही सवाल हो रहा है यहाँ तो। ये हमारा पुराना स्कूल आ गया भाई। अरे भाई क्या हाल है यार, सर बढ़िया, अरे बहुत थैंक यू, मेरे बहुत मैं आके मिल रहा हूँ आपसे, वीडियो देख रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरे सर थे भाई स्कूल के और वो मेरे वीडियोस देखते हैं। एक बार मिला था मैं इनसे, इन्होंने कहा कि ये देखिए ये मेरा सबसे नालायक बच्चा था, मुझे लगता नहीं था ये कभी कुछ करेगा, लेकिन आज मैं इसके सारे वीडियोस देखता हूँ, बहुत सही लगता है भाई जब टीचर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली स्कूल टीचर्स। मैं तो लिटरली बैक बेंचर था और पूरे कॉलेज भर में बैक बेंचर रहा हूँ, और भाई स्पेशली ऐसा ट्रीटमेंट रहा है कि बेटा तुम उठ के बाहर जाओ ऐसा वाला, लेकिन अच्छा लगता है भाई जब टीचर्स वगैरह अप्रिशिएट करते हैं। बाजूका बहुत हीट हो गई है भाई, भाई पसीना पसीना हो गया, लेकिन मज़ा आया भाई। We have reached the location और यहाँ पे बहुत crazy scene हो रहा है, मजा आया आज बहुत ज्यादा ride करने, यहाँ पे अभी जो माहौल चल रहा है उसे enjoy करते हैं। Thank you, thank you। हम लोगों ने lunch लगा लिया है भीड़ में घुस के, जैसे तैसे हम लोग लेके आए। ये हमारे डॉक्टर साहब, ये आधा लपेट चुके हैं भाई खाना पहले, गार्डन आपने किया था ना, खाना खाने आए लद्दाख से आए, क्या बात है। हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, बहुत ज़्यादा देर बाद फाइनली डिसाइड हुआ, मोटिवेशन दिया उन्होंने तो मैंने बोला अब मैं भी करता हूँ क्योंकि आज तक किया तो है नहीं भाई। टकेशी कासल की फीलिंग आ रही है, बम बली बाओ। बिना डरे मैंने ये आराम से कंप्लीट किया, आपने देखा होगा किस तरीके से किया, ये डर ही नहीं रहा यार, ये अभी डरेगा देखो आगे तो आने दो। ये क्या? यही है भाई थ्रिल एडवेंचर। अब अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो इस पे वॉक करना है भाई, कैसा लग रहा है भाई, बीच में आके इधर पर हिल रहा है। तो ये सांप का मुंह है, सांप के ऊपर चढ़ के जाना है। कावड़े, बारिश हो चुकी है, स्लिपरी ज्यादा है, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ चुकी है, चलिए फिर आप, वी कैन डू इट। ये सांप सीढ़ी क्रॉस कर दी आपने भाई, बचपन में बहुत सांप सीढ़ी खेली थी, आज ये सांप और सीढ़ी हो गया भाई, ये अलग डरा रहे यार, थ्रिल है भाई। मैजिशियन एडी कहते कोलार पे रहते,
एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे जिसने भी गणित लगाया है बहुत खराब लगाया है, ये ज्योमेट्री सारी गलत लगाई है, ये देखो आड़ी टेढ़ी, वो सीढ़ियाँ टेढ़ी लगाई है, सीढ़ियाँ सीधी लगाई जाती है यार इंसान के चलने के लिए। जो मैथ्स करने में कितना डिफिकल्ट हो, फिर मतलब ये मेरे से भी खराब था मैथ्स में भाई, जिसने भी यहाँ ऐसा काम किया है। बहुत आज समझ में आ रही है मैथ्स इतनी डिफिकल्ट क्यों है, फिर कैसा इंजीनियर बनेगा रे तू। वॉल्स पे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स है, देखिए एडीवे क्रॉस करते हुए क्या हुआ। जेन्युइनली डिफिकल्ट लग रहा है और भैया इस बार पीछे आ गए, बट मैंने बोला कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। लेट्स गो, पैर छोड़े हो रहे हैं। पाँव फंस गया, निकलेगा आराम से निकलेगा, निकल गया शाबाश भाई। इसको क्रॉस करने का बताओ कुछ भैया, प्यार स्टार्ट ही करो। हाथ इतने लाल हो गए, ये देखो पूरे छिलने की स्थिति पे आ गए, ये केबल पकड़ पकड़ के, इस वजह से ये हुआ कि हम लोग ये एक्टिविटी स्किप हो गई हमारी। मेरे पैर से हर बार ऐसे फुटबॉल की तरह आगे जा रहा था भाई। ये है टार्जन असली भाई, ये बचा लेता है दुनिया को, मेरे को भी बचाया इसने भाई, ये लड़का हीरो है भाई ये। क्या करूं यार, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, पहले भी बोला था ना इसकी बिल्कुल, छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता, अभी कुछ हो जाता तो। के अंदर छत्ता बना हुआ है, यहीं से मधुमक्खी ने निकल के मुझे काटा है भाई। आप यहाँ से थ्रिल लेके जा रहे हो और मैं यहाँ से ये डंक लेके जा रहा हूँ। काफी ज्यादा एंजॉयमेंट के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं पूल के अंदर, बहुत मजा आने वाला है। पार्टी में मस्ती करने के बाद हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट में जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी है। तो ये है प्रखर भटनागर जी, इंस्टाग्राम आईडी है, क्या नाम से है, क्या बात है। ये भाई ने हमें ये ग्लव्स गिफ्ट किए हैं, यहाँ का अलग ही माहौल हो रहा है क्रेजी। ये 3-0 हो गया, 4-0 लूजर लूजर। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और हम सब यहाँ पे पार्टी We are! 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 We